वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्रीता और उसके साथ साथ ऋषभ को पता चलने वाला है कि आखिर में अंजलि की मुलाकात हुई थी काव्या से और काव्या उससे मुलाकात करते हुए नजर भी आई थी, जिसके कई सारे गवाह होते हैं। और उसके साथ साथ यहां पर अर्जुन भी काव्या से मिलने का प्लान बना लेता है, जिसके बाद में अब यहां पर अंजलि के ऊपर आने वाली है सबसे बड़ी मुसीबत। मुसीबत कोई और नहीं बल्कि उसके ऊपर मुसीबत आएगी सिर्फ एक, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ खास होगा, इसके बाद में बताएंगे सारी बातें क्या क्या दिखाया जाएगा खास। लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर प्रीता और बाकी सब लोग खुश होते हैं कि आखिर में अर्जुन के खिलाफ उन्होंने FIR तो दर्ज करवा दी। उसके बाद में अब कहानी सबसे बड़े नए मोड़ पर आती है, जिसके बाद में अब आपको देखने को मिलेगा कि अर्जुन अब यहाँ पर कोशिश करेगा काव्या से मिलने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि अब आखिर में काव्या से वो मिलेगा कैसे, क्योंकि उसके खिलाफ केस कर रखा है। और यहाँ पर काव्या से मिलते हुए अचानक से एक जगह देख लेती है कोई और नहीं बल्कि अंजलि काव्या को, और काव्या की बात करवाती है अर्जुन से। अर्जुन और काव्या आपस में बात करके काफी ज्यादा खुश होते हैं। काव्या उससे नाराज होती है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए काव्या डिमांड करती है कि उसे मिलना है और आज शाम को ही, जिसके बाद में यहाँ पर अब वो कोशिश करता है कि मिलके ही रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काव्या से मिलते हुए अंजलि को देख लिया जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर अब कहानी यहीं पर मोड़ लेती है। काव्या को मिलते हुए देख कर यहाँ पर अंजलि से अब यहाँ पर प्रीता, ऋषभ और बाकी सब लोग खुश नहीं होते, जिसके बाद में अब यहाँ पर जो कोर्ट का लॉ एंड ऑर्डर था उसको यहाँ पर पूरी तरह से उसका पालन नहीं किया गया, जिसके वजह से कहानी पूरी तरह से बदलते हुए नजर आएगी। पुलिस को लेकर पहुंचा जाएगा अब यहाँ पर अर्जुन के घर पर, और अर्जुन के घर पर पहुंचते ही यहाँ पर अंजलि को अब अरेस्ट किया जाने वाला है। अंजलि को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मुलाकात होगी यहाँ पर किसी और की नहीं, अंजलि की और उसके साथ साथ प्रीता की एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर प्रीता एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बुरा इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आने वाली है अर्जुन के ऊपर। और अर्जुन इस बात पर सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए नजर आएगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आखिर में यहाँ पर अर्जुन का रिएक्शन क्या रहता है। वहीं दूसरी तरफ चोट लगी होगी यहाँ पर अंजलि को, इसी वजह से अर्जुन उसको यहाँ पर हॉस्पिटल लेके पहुँचा होगा, और उसके साथ साथ प्रीता भी उसी हॉस्पिटल में नजर आएगी, जिसके बाद में उनके बीच में फिर से बहस होगी। और ये बहस आगे भी बढ़ते हुए नजर आने वाली है, सिर्फ अभी नहीं और आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रीता अब जैसे ही यहाँ पर पूरी तरह से पता लगता है उसे कि काव्या से मिली है अंजलि, जिसके बाद में यहाँ पर करीना बुआ को लेकर एक पुलिस के साथ में भेज दिया जाता है और पुलिस गिरफ्तार कर लेती है अंजलि को। और अंजलि ये सब देखकर शॉक में रह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन पुलिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को रोक नहीं पाता। और उसके साथ साथ अंजलि को यहाँ पर अब गिरफ्तार किया जाने वाला है कि गिरफ्तार करने के बाद में अंजलि को छुड़ाने के लिए अर्जुन पहुँचता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पर प्रीता पहले ही पहुँची रहती है। प्रीता के पहुँचने से पहले ही यहाँ पर अर्जुन के मन में कई सारे सवाल आ रहे होते हैं कि आखिर में इसको गिरफ्तार किया गया, आखिर में वजह क्या है, जिसके बाद में वजह सबके सामने आती है। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।